हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू कराने वाली हूँ और दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स हैं जो अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत सुंदर से डहलिया के फ्लावर के साथ, जो कि मैंने सीड से ही ग्रो किया है। तो कलर तो मुझे पता नहीं था, बट अभी इसमें कुछ पिंक और पर्पलिश शेड के दो फ्लावर्स अभी आए हैं, बाकी का अभी ब्लूम नहीं किए हैं, बट जाई हैं तो पता नहीं चला है। और ये हमिंग भी अपने काम में लगी हुई है, तो इसे अपना काम करने देते हैं। और ये है प्यारे प्यारे डांसर्स में खूब अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है। और ये भी छोटा सा पौधा मैं लेके आई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और इसमें भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। एक छोटा सा ये पिंक कलर का भी फ्लावर इसमें आया है, तो मे भी दो कलर के हों इसमें प्लांट लगे हों जब नर्सरी से लाए थे। तो ये ऐसे है, तो जब भी आती हूँ तो इसे काफ़ी, मतलब इसके जो ब्राइट कलर है ना, उससे एकदम आंखें नहीं हटती हैं। और यहाँ पर फ्लॉक्स हैं जो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। फ्लॉक्स के तो इतने सारे शेड्स हैं फ्रेंड्स कि मतलब एक वीडियो में दिखा पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पे मैंने लगा दिए थे। इतने सारे सीड्स ग्रो हो गए थे, मतलब 90% उसमें जर्मिनेशन रेट मिला था, तो एकदम भर भर के निकल आए। अब अलग अलग जगह पर लगा दिए हैं, सब अलग ही अलग निकल रहे हैं। और यहाँ पर रोज़ हैं, रोज़ में सेकेंड टाइम इसमें फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो रही है, पहले हो चुकी है, मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। और ये कैलेंडुला, ये भी सब सीड से लगाए हुए हैं, ये पिछले साल के सीड रखे हुए थे तो मैंने लगा दिए थे। अब पॉट्स की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतने सारे प्लांट्स हो जाते हैं, कुछ नर्सरी विजिट वगैरह में भी परचेजिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ क्रीपिंग रोज़ हैं जो कि अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। प्लांट बहुत अभी छोटा सा है, कमज़ोर सा पौधा है ये। और ये जो है जरबेरा है, जरबेरा भी बहुत अभी छोटा सा है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये रोड साइड वेंडर से ही मैंने परचेज़ किया था और ये मुझे गिफ्ट में मिला था। छोटे लाल नर्सरी में जब गई थी तो वहाँ पर नर्सरी वाले जो भैया हैं वहाँ पर, उन्होंने मुझे ये बहुत समय से गिफ्ट किया था। और ये जो है रोज़ है मिनिएचर वैरायटी वाला, तो मुझे मिनिएचर जो होता है ना, जो फ्लावर्स होते हैं मिनी जो होते हैं ना, ड्वार्फ वैरायटी, वो बड़े पसंद हो, क्योंकि उसमें खूब अच्छे से फ्लावरिंग होती है, एकदम भर भर के होती है। और जो बड़े साइज़ के होते हैं उसमें फ्लावरिंग के अगर आप कंपैरिजन करें तो छोटे वाले जो होते हैं उनमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, और गर्मियों में भी अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो ये मिनिएचर रोज़ हो गए। और यहाँ पे हिबिस्कस है, हिबिस्कस का ऑल्दो अभी सीज़न पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है, तो अभी मैंने कुछ प्रूनिंग वगैरह की नहीं, छेड़छाड़ नहीं किया है, बट अभी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे मिमुलस फ्लोरानोवा है जो कि बहुत अच्छे से धीरे धीरे से पॉट कवर करते जा रहे हैं, खूब अच्छे से बढ़ जा रही हैं, फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से चल रही है, तितली के जैसे लगते हैं ये, बिल्कुल येलो येलो कलर के, आप देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बट जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, मतलब एक दिन से ज़्यादा ये चलते नहीं हैं, एक डेढ़ दिन बहुत होगा तो चल जाते हैं। और ये एक और शेड है इसका, तो इसमें भी खूब सारी बर्ड्स आई हुई हैं। अब वही है, ये छोटे पॉट में मैंने लगाया था, वो बड़े पॉट में लगाया था, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल गया उसको ग्रो करने के लिए। और ये एक जो है पर्पलिश वाला जो निकला था, वो मैं आपको बोला था ना, वही ये है डेलिया। और यहाँ पे कुछ और मिनिएचर वैरायटी के रोज़ हैं, इनमें भी आप देखो कितने भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। और इतने सारे फ्लावर्स हैं फ्रेंड कि जो शाखें हैं वो लटक गई हैं, तो वीडियो में होता है ना, बनाना में दिखाना बड़ा मुश्किल रहता है। अब एक एक शाख को ऊपर करो फिर दिखाओ आपको, क्योंकि जो सब एकदम नीचे नीचे से हो गए हैं, और सिर्फ अभी वाटरिंग भी करी है सबको, तो जो है ऐसे चल रहे हैं सारे पौधे। और यहाँ पे ये वर्बिना है, ये भी सब सीड से लगाए हुए हैं, और ये गर्मियों वाले हैं, बट अभी भी थोड़ी बहुत इनमें फ्लावरिंग चल रही है। और यहाँ पर ये क्रेजेंटमम है, अब तो क्रेजेंटमम का मौसम जा रहा है, अब फ्लावरिंग हो चुकी है बहुत सारी और अब थोड़े बहुत ही रह गए हैं, बट जो भी हैं आज ओवरव्यू है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो लोगों के प्लांट पुराने थे उनमें तो काफ़ी और ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सारे प्लांट मेरे जो हैं ये क्रेजेंटमम के नए हैं, क्योंकि घर में काम चला था तो मेरे पिछले साल के जो, मतलब जो भी प्लांट थे वो कोई भी बच नहीं पाए थे क्रेजेंटमम के। ये टाइगर रोज था, और ये नास्ट्रेशियम, ये भी सीड से ग्रो किए हुए हैं, वेरीगेटेड लीव्स वाले हैं ये। और
उसके साथ ये कुंद रखा हुआ है मैंने। कुंद में भी खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है, खूब बर्ड्स आई हुई हैं, पूरा पौधा भरा हुआ है। और ये भी मैंने जो है अभी बरसात के मौसम में छोटा सा एक प्लांट लिया था और बहुत ही वीक सा था, लेकिन अब अच्छे से इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये लास्ट पर है, लास्ट पर में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये भी मैंने सीड से ग्रो किए हैं, तो अभी इसके और भी हैं, उनमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये कुछ और फ्लॉक्स हैं, फ्लॉक्स तो इतने सारे हैं फ्रेंड्स कि क्या बताऊँ मैं आपको, लेकिन हर में अलग ही शेड आ रहा है, जैसे किसी में भी सेम नहीं आ रहा, हर प्लांट में अलग ही शेड आ रहा है। और सारे सीड्स मैंने जो है ये अमेज़ॉन से ये वाले लिए थे, और सीड की क्वालिटी तो आप देख ही लो कितनी अच्छी है, कि इतना अच्छा जर्मिनेशन रेट मुझे मिला है। और ये यूफोर्बियन मिली हैं, इनमें भी अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है। और यहाँ पे कलांचो हैं देसी वाले, और ये मेरा बहुत काफ़ी पुराना पौधा है, तो दो मेरे पास पॉट थे, तो इनको मैंने कभी भी छेड़ा नहीं है, रिपोर्टिंग कुछ नहीं किया है, जैसे हैं ये वैसे ही अच्छे से चल रहे हैं। और इनकी तो लीव्स वगैरह भी जहाँ गिर जाती हैं तो खूब अच्छे अच्छे पौधे बन जाते हैं। और इसको तो मैंने कुछ खास जो होता है ना फर्टिलाइज़र वगैरह भी दिया नहीं है, और बस वही जो अपना काव डंक वाला होता वो थोड़ा बहुत डाल दिया था मैंने, और मस्टर्ड केक डाल दिया एक दो बार, और ये अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ बोगनविलास हैं, बोगनविलास तो मतलब मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, बट अभी मैंने कुछ कुछ की प्रूनिंग कर दिया है। ये एंथूरियम था, और यहाँ पर रेलवे क्रीपर है, और यहाँ पर है बेगम बहार, जबकि साइज छोटा हो गया फिर भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। बोगनविलास हैं जो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, और पेंटास भी है, पेंटास में भी अभी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग फिर से होने लगी है। प्रून भी करना है सभी प्लांट को, बहुत सारा काम है अभी। यहाँ पर लेट्यूस है जो अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ये गजानिया हैं, ये भी मैंने सीड से ग्रो किए हैं, खूब ढेर सारे गजानिया के प्लांट भी हो गए हैं घर में, और सब में खूब अच्छे से बढ़ जा रही हैं। और इनमें भी वही हो रहा है फ्लॉक की तरह, सब में अलग ही शेड आते जा रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं मैं आपको दिखाती चल रही हूँ। येलो आया था पर वो स्पेंट हो गया, तो आज यही है। तो फ्रेंड्स आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, बाय।